गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका अध्याय 16 है, नाम है समीकरण, एक्सरसाइज हम लोग 12.2। ठीक है, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 42 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, माना कि पहली संख्या बराबर एक्स का, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इक्वल हो जाएगा 2x, दुगने मतलब दिया है। फिर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या हो जाता है, 42, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 42 का, तो x इक्वल टू 42/3 कितना हो जाएगा, 12, x इक्वल 12, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या इक्वल टू 12 हो जाएगी, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता देता हूँ मैं इसमें, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि मनीषा की माँ की आयु मनीषा की 3 गुनी थी, फिर अब कह रहा है कि 5-4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो छोटे होते उसको मानते हैं, माना कि मनीषा की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, फिर मनीषा की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कितना गुनी बोला है यहाँ पे, 3 गुनी, तो 3 गुनी मतलब हो जाएगा 3x वर्ष। ठीक है, फिर शर्त है 4 वर्ष बाद मतलब क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं अपन लोग। ठीक है, मनीषा की आयु बराबर क्या होगा, x प्लस 4 यहाँ हो जाएगा दिया, फिर माँ की आयु कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 ये भी गलत हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं प्रश्नानुसार, क्या बोल रहे हैं प्रश्न के अनुसार, माँ की आयु और मनीषा की आयु में 2.5 गुनी अंतर आ जाएगा। ठीक है, जिधर लिखते हैं माँ की आयु, ठीक है, अंदर लिखेंगे मनीषा की आयु। ठीक है, इधर हम लोग मनीषा की आयु में क्या करेंगे, 5/2, 2.5 गुना मतलब 5/2, माँ की आयु कितना है, 3x प्लस 4 इक्वल टू 5/2 और x प्लस 4, ऐसे इधर गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 3x प्लस 4 इक्वल टू 5x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे उसको इंटू कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 5x प्लस 20 का। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर दो, कक्षा अंदर करो, 6x माइनस 5y इक्वल टू 20 माइनस 8, तो 1x इक्वल क्या हो जाएगा, 12 का। तो मनीषा की आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, तो माँ की आयु 3 गुनी कर दो, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज से आप लोग क्या करोगे, शेष क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक है, थैंक यू।